दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई हीरोज हैं जिनकी एंट्री तो काफी धूमधाम से हुई, पर बॉलीवुड करियर से जुड़ा उनका सफर कुछ खास चल नहीं पाया और अंत में उन्हें सिनेमा जगत के लॉस्ट हीरोज की लिस्ट में शामिल होना पड़ा। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार के छोटे बेटे कुणाल गोस्वामी के एक्टिंग करियर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुड लुक्स, पिता का सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड, बड़ी पिक्चरों से फिल्मों की दुनिया में आगाज जैसे तमाम फैक्टर्स कुणाल से जुड़े थे, पर इनका कोई खास असर कुणाल के करियर पर नहीं हुआ। कहा जा सकता है कि दर्शकों को कुणाल अपनी अभिनय क्षमता से प्रभावित करने में असफल रहे। उनके पिता मनोज कुमार ने बेटे के डूबते करियर को संवारने के कई प्रयास किए, पर सारी कोशिशें अंत में नाकाम हो गईं। बाद में कुणाल ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं अभिनेता कुणाल गोस्वामी का सफर। यहाँ उनसे जुड़े हर अनछुए पहलुओं की चर्चा की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। कुणाल गोस्वामी का जन्म 24 नवंबर 1961 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार ने बचपन से ही उन्हें एक्टर बनाने का सपना संजोया था। उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कुणाल को उपयुक्त समझा और शुरुआत से ही उन्हें इंडस्ट्री के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसकी एक झलक आपको साल 1981 में आई फिल्म क्रांति में देखने को मिली थी। इस फिल्म को मनोज साहब ने स्वयं निर्देशित किया था। फिल्म में दिलीप कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा जैसे तमाम दिग्गज कलाकार शामिल थे। इस पिक्चर में कुणाल को भी एक किरदार दिया गया था, भले ही रोल बड़ा नहीं था और एक बाल कलाकार के रूप में उन्हें दर्शाया गया हो, पर एक न्यू कमर के लिए बड़े और मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात थी। क्रांति जैसी बड़ी फिल्म में काम देकर पिता मनोज ने बेटे कुणाल को फिल्मी दुनिया की बारीकियों से अवगत कराया। आगे चलकर साल 1983 में आई फिल्म घुघरू में कुणाल को लीड रोल करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म में युवराज का कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म को शशि कपूर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में स्मिता पाटिल, रंजीत जैसे कलाकार भी मौजूद थे। फिल्म घुंघरू में आनंद जी, कल्याण जी का संगीत भी शामिल था। इस फिल्म ने कुणाल गोस्वामी को दर्शकों के बीच एक पहचान दी। इसी साल कुणाल को कलाकार नाम की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म में कुणाल ने श्रीदेवी के ऑपोजिट काम किया था। फिल्म के गाने अच्छे थे, कहानी अच्छी थी। इसका निर्देशन पी संबासिवा राव ने किया था, जबकि फिल्म का निर्माण पी आनंद राव ने किया था। फिल्म कलाकार को मनोरंजन का तड़का लगाकर दर्शकों के बीच परोसा गया। इस फिल्म का गीत नीले नीले अंबर पर, जो कि सुर सम्राट किशोर कुमार की आवाज से सजाया गया था, काफी चर्चित भी रहा। पर अफसोस की बात यह रही कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को बड़ी राहत नहीं मिली। दर्शकों ने इसे उतना पसंद नहीं किया। इस फिल्म के बाद उनको साल 1983 में ही फिल्म दो गुलाब में काम करने का मौका मिला। एक हिंदू लड़के और क्रिश्चियन लड़की की प्रेम कहानी को इस फिल्म में बखूबी दर्शाया गया था। फिल्म में कुणाल के अलावा विजय अरोड़ा, मनीषा कोहली, राकेश बेदी जैसे जाने माने कलाकार थे। फिल्म में बप्पी लहरी का संगीत एवं आशा भोसले, किशोर कुमार, बाला सुब्रमण्यम जैसे दिग्गजों की आवाज में पिरोए गाने भी मौजूद थे। पर इस फिल्म से भी कुणाल को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। कुणाल को फिल्म दो गुलाब के 3 साल बाद अपनी अगली फिल्म हाथ लगी थी। ये फिल्म थी साल 1986 में आई रिकी, जिसमें इन्होंने रिकी की मुख्य भूमिका अदा की थी। दोस्तों कुणाल को लगातार फिल्में मिल नहीं रही थी। आगे चलकर कुछ सालों के बाद उन्होंने आखिरी बाजी, पाप की कमाई, नंबरी आदमी, विषकन्या, जय हिंद और कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन जैसी फिल्में की। फिल्मों में सफलता न मिलने पर साल 2000 में कुणाल ने टेलीविजन का रुख भी किया। डीडी नेशनल के टीवी शो अलग अलग पर उन्होंने काम भी किया। बता दें कि कुणाल के पिता मनोज कुमार ने उनके डूबते करियर को संवारने की भरसक कोशिशें की, पर शायद दर्शकों को कुणाल गोस्वामी की एक्टिंग उतनी रास नहीं आई। साल 1999 में आई फिल्म जय हिंद कुणाल के करियर संवारने के लिए मनोज साहब की आखिरी कोशिश रही, पर एक प्रभावशाली फिल्म बनाने के बावजूद कुणाल दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रहे।
दोस्तों अब रुख करते हैं अभिनेता कुणाल गोस्वामी की निजी जिंदगी की ओर। जैसा कि हमने बताया, कुणाल सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार के बेटे हैं। कुणाल की मां का नाम शशि गोस्वामी है। कुणाल के भाई भी हैं जिनका नाम विशाल गोस्वामी है। विशाल ने भी कुणाल की तरह ही फिल्मों में पैठ बनाने चाहिए, पर उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। कुणाल के चाचा जी का नाम राजीव गोस्वामी है, वो भी एक अभिनेता है। साल 2005 में कुणाल ने रीति गोस्वामी से शादी की। रीति और कुणाल का एक बेटा है जिसका नाम कर्म गोस्वामी है। कुणाल के बेटे की तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। बता दें कि कुणाल अब फिल्मी दुनिया से दूर है। उन्होंने दिल्ली में कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है। फिलहाल वो अपनी पत्नी के साथ इस बिजनेस की देखभाल कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुणाल ने फिल्मी दुनिया में वापसी को लेकर अभी कोई इशारा नहीं किया है। अभी वो दिल्ली में अपनी पत्नी और बेटे के साथ लाइमलाइट से दूर सेटल्ड हैं और खुश हैं। तो दोस्तों, हमने अभिनेता कुणाल गोस्वामी के जीवन से जुड़े विभिन्न जानकारियां आपसे साझा की। उम्मीद है आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस कलाकार से जुड़ी बायोग्राफी आने वाले वीडियोस में देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।